दोस्तों आज हम याद करेंगे बैंकों की टैगलाइन और इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे। बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, हो सकता है आपका एग्जाम भी एक दो नंबर दिला दे। तो भाई स्वागत है आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया, इसकी टैगलाइन है बैंकिंग से परे संबंध, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। अब देखिए बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ है कहाँ, इंडिया में। भाई बैंकों का ऑफ है इंडिया में, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बैंकिंग से परे संबंध, संबंध शब्द का प्रयोग हो रहा है ना भाई, जो सगे संबंधी है, रिलेशनशिप, जो रिलेटिव है, उनके लिए बैंक तो खुला है, उनका काम तो होगा बैंक ऑफ इंडिया, भले ही बैंक ऑफ इंडिया में, लेकिन जो सगे संबंधी है, रिलेटिव है, उनका काम होगा। देखिए दोस्तों टैगलाइन में एक शब्द आ रहा है संबंध, और ये संबंध शब्द, रिलेशनशिप शब्द किसी भी बैंक की टैगलाइन में नहीं है, तो आप बेफिक्र रहिए, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया में, लेकिन सगे संबंधियों का और रिलेटिवों का काम तो होगा। नेक्स्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक परिवार एक बैंक इसकी टैगलाइन है, वन फैमिली वन बैंक। अब बात हो रही है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महान राष्ट्र कब बनेगा, जब एक परिवार और एक बैंक होगा तब भाई महान राष्ट्र बनेगा, यानी कि महाराष्ट्र। अगर एक परिवार है और 10 बैंक है, बैंक खाते हैं, तो भी बात नहीं बनेगी, और 10 बैंक खाते हैं एक परिवार है, तो भी बात नहीं बनेगी। तो भाई एक परिवार एक बैंक, यानी कि एक बैंक खाता होना जरूरी है, तभी हमारा राष्ट्र बनेगा महान राष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र। देखिए दोस्तों दो तरीके हैं इसे याद करने के, या तो आप रट लीजिए इन्हें, रटने से अगर आपको याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो भाई ये ट्रिक है, एक बार अच्छे से समझ लीजिए, आप विश्वास कीजिए आपको ये एग्जाम में जरूर याद आएगी। नेक्स्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1911 में हुई थी, इसकी टैगलाइन है 1911 से आपके बीच, सेंट्रल टू यू सिंस 1911। देखिए बिल्कुल ईजी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल की बात हो रही है और यहां भी सेंट्रल टू यू सिंस 1911, यानी कि 1911 से आपके बीच, और ये इसका स्थापना दिवस भी है 1911, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो बिल्कुल ईजी हो गया। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी टैगलाइन है हर भारतीय का बैंक, द बैंकर टू एवरी इंडियन। अब देखिए बात हो रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट की, राज्य की। अब भाई हर भारतीय का बैंक कब होगा, जब कोई बैंक हर स्टेट में होगा। भाई अगर हर स्टेट में कोई बैंक है तो हर भारतीय का बैंक हो गया ना, बिल्कुल लीजिए मेरे भाई, क्या सोच रहे हो। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर हर स्टेट में कोई बैंक है तो हम कह सकते हैं कि ये हर भारतीय का बैंक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन हो गई हर भारतीय का बैंक। नेक्स्ट इंडियन बैंक, और इसकी टैगलाइन है आपका अपना बैंक, यूर ऑन बैंक। अब देखिए यहां बात हो रही है इंडियन बैंक, साथ में ना कुछ भी नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंडियन बैंक है, इंडियन इंडियन इंडियन, तो इंडियन बैंक आपका अपना बैंक। भाई हम इंडियन है और इंडियन बैंक की बात करेंगे तो वो आपका अपना बैंक हो गया, हो गया ना, तो जहां पर सिर्फ इंडियन बैंक आए वो आपका अपना बैंक है, याद रखना मेरे भाई, भूल मत जाइयो। नेक्स्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अच्छे लोगों के साथ बैंक, गुड पीपल टू बैंक विद। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के स्टार्टिंग में आ गया यूनियन, के भाई यूनियन बनाओ, जरूर बनाओ, लेकिन अच्छे लोगों के साथ बैंक, अच्छे लोगों के साथ बनाओ भाई, यूनियन बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अच्छे लोगों के साथ, अगर गलत लोगों के साथ यूनियन बनाओगे ना तो भाई फंस जाओगे। तो भाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन हो गई अच्छे लोगों के साथ बैंक, यूनियन बनाओ लेकिन अच्छे लोगों के साथ। नेक्स्ट इंडियन ओवरसीज बैंक, इसकी टैगलाइन है अच्छे लोगों के साथ विकास, गुड पीपल टू ग्रो विद। देखिए पीछे हमने पढ़ा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसकी टैगलाइन क्या थी, अच्छे लोगों के साथ बैंक, और इंडियन ओवरसीज बैंक की टैगलाइन है अच्छे लोगों के साथ विकास। दोनों टैगलाइन मिलती जुलती है लेकिन अलग अलग है। अब यहाँ है इंडियन ओवरसीज बैंक, ओवर, ओवर स्मार्ट। अब बंदा कह रहा है भाई ज्यादा और स्मार्ट बनने का कोई फायदा नहीं है, आपका विकास तो अच्छे लोगों के साथ ही होगा, आपका विकास कब होगा, जब आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे। तो इंडियन ओवरसीज बैंक और स्मार्ट बनने का कोई फायदा नहीं मेरे भाई, अच्छे लोगों के साथ रहो, विकास अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसकी टैगलाइन है बैंक जो शुरू होता है आपके साथ, द बैंक दैट बिगेन विद यू। अब देखिए यूनाइटेड बैंक, यूनाइटेड से कुछ याद आया,
यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अब भाई वो क्या है, बैंक जो शुरू होता है आपके साथ, अमेरिका जो है ना वो शुरू तो होता है हमारे साथ, शुरू होता है इंडिया के साथ, बातचीत करता है इंडिया के साथ, लेकिन चला जाता है पाकिस्तान के साथ। भाई यूनाइटेड बैंक, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका शुरू तो होता है आपके साथ और चला जाता है पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट यूको बैंक और इसकी टैगलाइन है आपके विश्वास का सम्मान, हॉनर्स यूर ट्रस्ट। अब यूको का हो जाएगा यूके। बंदा कह रहा भाई मैं यूके जाऊंगा, मुझे विश्वास है मैं यूके जाऊंगा। हमने भी कह दिया भाई आपके विश्वास का हम सम्मान करते हैं, भाई आप यूके जरूर जाओगे, आपके विश्वास का हम सम्मान करते हैं, जो आपको विश्वास है ना उसका भाई हम सम्मान करते हैं, आप यूके जरूर जाओगे। मित्रों, भाइयों, बहनों, हम आपके विश्वास का सम्मान करते हैं, आप यूके जरूर जाओगे। भाइयों बहनों, आप यूके जरूर जाओगे। नेक्स्ट सिंडिकेट बैंक और इसकी टैगलाइन है विश्वसनीय एवं मैत्रीपूर्ण, फेथफुल एंड फ्रेंडली। अब सिंडिकेट का हो जाएगा सिंडी संडे, सिंडिकेट संडे की वही सारी है ना, अब यहां है मैत्रीपूर्ण। भाई संडे को हम क्या करते हैं, मित्रों से मिलने जाते हैं, रेस्ट होता है, हॉलीडे होता है, तो मित्रों से मिलते हैं मैत्रीपूर्ण, कब, संडे को। तो सिंडिकेट की टैगलाइन होगी विश्वसनीय एवं मैत्रीपूर्ण। नेक्स्ट इलाहाबाद बैंक और इसकी टैगलाइन है विश्वास की एक परंपरा, ए ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। अब इलाहाबाद से वही सारी है, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, गॉड, ये सब एक हैं। तो भाई अल्लाह पर हम विश्वास करते हैं, भगवान पर हम विश्वास करते हैं और ये हमारी परंपरा है, आज से नहीं, हमारे दादा परदादा जो भी सब भगवान पर, अल्लाह पर, गॉड पर विश्वास करते हैं और ये क्या है, विश्वास की एक परंपरा है जो चलती आ रही है सदियों से, और भाई भगवान पर विश्वास करना भी चाहिए मेरे भाई। तो इलाहाबाद बैंक की टैगलाइन होगी विश्वास की एक परंपरा। नेक्स्ट बैंक ऑफ बड़ौदा और इसकी टैगलाइन है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, इंडियंस इंटरनेशनल बैंक। अब वही से ही पता चल रहा है कि भाई ये भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ा 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 बैंक है तो भाई अंतर्राष्ट्रीय बैंक होगा ना, छोटा मोटा हो तो कोई बात नहीं भाई, एक कोने में पड़ा रहे, लेकिन ये है बड़ा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ा बैंक, बड़ा, तो कोई भी बोल देगा कि भाई ये भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है, बड़ौदा। नेक्स्ट केनरा बैंक और इसकी टैगलाइन है हम साथ कर सकते हैं, टुगेदर वी कैन। अब केनरा का हो जाएगा कमरा। भाई जब स्टडी के लिए बाहर जाते थे, जॉब के लिए बाहर जाते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या होती है रूम कहाँ मिलेगा, कमरा कहाँ मिलेगा रेंट पर, और आखिर में एक मसीहा आता है, वो बोलता है भाई कमरा नहीं मिला ना, नो प्रॉब्लम, मेरे पास कमरा है, हम साथ रह सकते हैं, हम साथ कर सकते का हो जाएगा हम साथ रह सकते हैं, मेरे पास कमरा है, तो केनरा बैंक की टैगलाइन हो गई हम साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट आंध्रा बैंक और इसकी टैगलाइन है जहां भारत बैंक है वेयर इंडिया बैंक, याद कैसे रखेंगे, आंध्रा का हो जाएगा अंधा व्यक्ति, ब्लाइंड पर्सन, क्या कह रहा है, मुझे ले चलो कहां, जहां भारत बैंक है, जहां भारत का बैंक है मुझे ले चलो भाई, मुझे अपनी पेंशन बनवानी है, मुझे ले चलो कहां, जहां भारत का बैंक है, वेयर इंडियन बैंक, कौन कह रहा है, ब्लाइंड पर्सन कह रहा है, अंधा व्यक्ति कह रहा है, दोस्तों प्लीज डोंट माइंड, सिर्फ रिलेट और याद कराने के लिए। नेक्स्ट कॉरपोरेशन बैंक, इसकी टैगलाइन है सभी के लिए समृद्धि, प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल। अब कॉरपोरेशन से वही सारी है कोर, कार, कॉरपोरेशन से वही सारी है ना कार की। अब बंदा नई कार लेके आया, सीधा पंडित जी के पास पहुंचा, तो पंडित जी क्या आशीष दे रहे हैं, सभी के लिए समृद्धि लाए, आपकी ये जो कार है ना वो आप सभी के लिए समृद्धि लेकर आए, अच्छे से चले, कभी खराब ना हो, आप सभी के लिए समृद्धि लेके आए, खुशहाली लेके आए, क्या, आपकी कार, कॉरपोरेशन बैंक की टैगलाइन हो गई सभी के लिए समृद्धि। नेक्स्ट पंजाब नेशनल बैंक और इसकी टैगलाइन है एक बैंक जिस पर विश्वास करते हैं, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। अब बात हो रही है पंजाब नेशनल बैंक की, पंजाब से हो गया पंजाबी, और भाई हम एक बार चंडीगढ़ गए और रास्ता पूछने लगे, किसी ने सही रास्ता नहीं बताया, लेकिन एक पंजाबी भाई टकराया, उसने बिल्कुल सही रास्ता बताया। तो भाई एक बैंक जिस पर विश्वास करते हैं, एक पंजाबी जिस पर विश्वास करते हैं, उसके बाद जब भी कभी जाते तो सीधे पंजाबी से ही रास्ता पूछते थे, बिल्कुल सही बताते थे टकाटक, और मैं ये रियल बता रहा हूँ,
तो भाई पंजाब नेशनल बैंक एक बैंक जिस पर विश्वास करते हैं, एक पंजाबी जिस पर विश्वास करते हैं। नेक्स्ट पंजाब एंड सिंध बैंक, जहां सेवा जीवन का तरीका है, वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ। अब देखिए पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब का हो गया पंजाबी, और पंजाबी अपने नाम के पीछे ज्यादातर सिंह लगाते हैं, बलजिंदर सिंह, गुरमीत सिंह, और यहाँ पंजाब एंड सिंह मतलब पंजाबी की बात हो रही है। और भाई पंजाबी बहुत सेवा करते हैं, आप कभी गुरुद्वारे में जाना, फ्री लंगर होता है, फ्री रहने की सुविधा होती है, तो वो क्या करते हैं, जहाँ सेवा जीवन का तरीका है, उन्होंने अपना जीवन सेवा के प्रति समर्पित कर रखा है। किन्होंने? पंजाबियों ने, सिंह साहब ने। जहाँ सेवा जीवन का तरीका है भाई, वो सेवा करते हैं गुरुद्वारे में बहुत जबरदस्त। जो पंजाब से आसपास एरिए से बिलोंग करते हैं उन्हें पता भी होगा भाई, गुरुद्वारों में पंजाबी बहुत सेवा करते हैं। नेक्स्ट ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और इसकी टैगलाइन है, जहां प्रत्येक व्यक्ति प्रतिबद्ध है, वेयर एवरी इंडिविजुअल इज कमिटेड। अब यहां क्या हुआ, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स की बात हो रही, यानी कि कॉमर्स, जहां प्रत्येक व्यक्ति प्रतिबद्ध है कि मैं अपने बच्चों को कॉमर्स ही दिलाऊंगा, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिबद्ध है कि भाई कॉमर्स दिलाऊंगा, कॉमर्स दिलाऊंगा, कॉमर्स दिलाऊंगा। पर क्यों मेरे भाई, अरे बच्चे को जो पसंद है वो दिलाओ ना। लेकिन मान ही नहीं रहे भाई, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिबद्ध है कि बच्चे को दिलाऊंगा तो कॉमर्स ही दिलाऊंगा। तो भाई ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की टैगलाइन होगी, जहां प्रत्येक व्यक्ति प्रतिबद्ध है कि बच्चे को कॉमर्स ही दिलाऊंगा। नेक्स्ट विजया बैंक, और इसकी टैगलाइन है, एक मित्र जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, ए फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन। अब विजया का हो गया विजय, भाई विजय प्राप्त करने के लिए ना एक मित्र तो ऐसा होना ही चाहिए जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, चाहे हजारों लाखों दुश्मन हो कोई बात नहीं, लेकिन एक मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, तभी आप विजय प्राप्त कर सकते हो मेरे भाई। तो विजया बैंक की टैगलाइन हो गई, एक मित्र जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। और भाई वीडियो बढ़िया लग गया तो लाइक कर दो, घनी बढ़िया लग गया तो शेयर कर दियो, बाद में तुम भूल जाओ सो। और कोई भी जिस पर ट्रिक चाहिए तो कमेंट्स में बता दियो भाई, पूरी कोशिश करेंगे उस पर ट्रिक बनाने की। नेक्स्ट एक्सिस बैंक, और इसकी टैगलाइन है, बढ़ती का नाम जिंदगी। और ये बिल्कुल ईजी है मेरे भाई, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, गाना है ना। नेक्स्ट HDFC बैंक, और इसकी टैगलाइन है, हम आपकी दुनिया को समझते हैं, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अब भाई HDFC स्टार्टिंग में आ गया, HD हाई डेफिनेशन। अब आप कोई मूवी देख रहे हैं, अगर वो HD में चल रही है तो आपको उसमें सब कुछ समझ में आएगा, क्लियर क्लियर दिखाई देगा, जो भी चल रहा है सब कुछ दिखाई देगा। और अगर HD नहीं है, 3GP है, ऐसे डाउन क्वालिटी है, तो आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे क्या चल रहा है क्या नहीं। तो बंदा कह रहा है कि हम HD क्वालिटी में देखते हैं, इसलिए हम आपकी दुनिया को समझते हैं, हम आपकी दुनिया को HD क्वालिटी में देखते हैं। HDFC बैंक की टैगलाइन हो गई, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे भाई वो HD क्वालिटी में देखते हैं हमारी दुनिया को। नेक्स्ट देना बैंक, और इसकी टैगलाइन है, भरोसेमंद पारिवारिक बैंक, ट्रस्टेड फैमिली बैंक। अब यहां है देना बैंक, भाई देना जरूर देना, क्या रुपए पैसे जरूर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भरोसेमंद पारिवारिक आदमी को देना, जो भरोसेमंद हो पारिवारिक हो उसे ही पैसे देना, देना बैंक, ताकि वो समय पर वापिस लौटा दे। अगर दे दिया किसी ऐरे गहरे नत्थू खेरे को तो पैसे वापिस नहीं आएंगे मेरे भाई। तो पैसे किसे देना? भरोसेमंद पारिवारिक व्यक्ति को। नेक्स्ट IDIBI बैंक, और इसकी टैगलाइन है, सभी के लिए बैंकिंग, और आओ सोचे बड़ा। याद रख लियो मेरे भाई, IDIBI बैंक की टैगलाइन है, सभी के लिए बैंकिंग, और दूसरी है आओ सोचे बड़ा। उसके बाद है यस बैंक, इसकी टैगलाइन है, हमारी विशेषज्ञता का अनुभव ले। यस यस बॉस यस, हमारी विशेषज्ञता का आप अनुभव लो, हमारी ट्रिक का आप अनुभव लो। नेक्स्ट ICICI बैंक, और इसकी टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका, ICICI हम है ना ख्याल आपका। तो दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट बैंक थे उन सभी की हमने टैगलाइन कवर कर ली है। समझ नहीं आई ना? आएगी नहीं मेरे भाई, बहुत टफ टॉपिक है, आप एक दो बार तीन बार इसे देखिए, आपको समझ जरूर आ जाएगी। या फिर भाई दूसरा तरीका ये है कि आप इन्हें रट लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर लेना, पर जान से पहले भाई इस सवाल का जवाब दे के जाइए। आपको क्वेश्चन मिलता है, झीलों का देश किसे कहा जाता है, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।